हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक जबरदस्त 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। इसे 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है और 9:15 स्ट्रेटेजी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 9:15 से ही ये स्ट्रेटेजी काम करना शुरू होती है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, उसके बाद ही दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम करना शुरू कर देती है, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। और एक बार अगर दोस्तों इसने ट्रेंड पकड़ लिया तो आप पूरे दिन इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको 9:15 भी कहा जाता है, और 1 मिनट में दोस्तों ये काम करती है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटेजी है इसको कैसे, इसका बैकटेस्ट मैं करके आपको बता देता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है कितनी एक्यूरेसी है, राइट। अगर 10 दिन का बैकटेस्ट करें तो कितने दिन हमें प्रॉफिट देगी, कितने दिन लॉस देगी, ये सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे इसी तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसको पहले 1 मिनट का टाइम ओपन कर लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है, राइट, इसमें इंडिकेटर बेस है, राइट, और बिना इंडिकेटर भी काम करेगी, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि बिना इंडिकेटर के कैसे काम करती है। तो ये जो इंडिकेटर है, इसने क्या किया, पहले कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करते दे दिया, ठीक है। ये जो इंडिकेटर क्या करेगा, पहले कैंडल मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल जो बनेगी उसका हाई लो ये जो इंडिकेटर है वो मार्क करके आपको दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। ग्रीन मतलब इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। अब देखिए, जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, रिटेस्ट करे, ऊपर निकले, ठीक है, एक सेकेंड कैंडल का वेट करना है आपको। सेकेंड कैंडल तुरंत नीचे आ जाए तो आपको इसमें ट्रेड नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया, कैंडल क्लोज किया, रिटेस्ट किया और एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है। नीचे का ऐसे लगा देना है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊ, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ यहीं पे, सेकंड कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे। ऐसे आपको नीचे का रखना पड़ेगा डे लो का, ठीक है, या फिर आप ये जो है यहां तक का भी रख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल जो है वीक वाली उसका। अब देखिए, इसने एंट्री दी और उसके बाद मार्केट ने कितने पॉइंट दिए है, देखिए पहली कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने कितने पॉइंट्स दिए। अगर पूरा दिन अगर होल्ड करते आप तो ये करीबन आपको देखिए कितने पॉइंट्स देखे गई है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स है, 350 पॉइंट दिए है, ठीक है, यही पे एंट्री आपको दे दी थी। क्या करना है, ठीक है, मैंने क्या बताया एक बार फिर बता देता हूं कि पहले कैंडल का हाई लो मार्क हुआ है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन लाइन दिखेगी, एक कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया, सेकंड कैंडल सस्टेन की, थर्ड कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर एंट्री ले लेनी है, एसएल नीचे का लगा देना है। एसएल भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं जाएगा, नीचे का लगा के एंट्री बना लेनी है, और बहुत ही अच्छे पॉइंट ये जो स्ट्रेटेजी है यहां से लेके यहां तक आप बुक कर सकते हैं। अब ये हुआ एक दिन का, अब हम चलते हैं अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ है, तो नेक्स्ट डे मार्केट खुला है गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप खुला है, ठीक है, गैप अप खुला है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाके ब्रेक किया, पर क्या हुआ है, मार्केट ने नीचे की तरह का मोमेंटम दिया, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई भी होती, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड कैंडल पे एंट्री बनाई होती, फिर भी आपको 50 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाते, ठीक है। एसएल आपको नीचे का रखना पड़ता है, ये जो कैंडल है यहाँ का, ठीक है, एसएल भी हिट नहीं हुआ और 50 पॉइंट आपको इसके अंदर मिले हैं, ठीक है, तो ये इधर भी काम किया है पर ज्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं हुए। और आगे बैकटेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, आगे बैकटेस्ट करते हैं, ठीक है, आगे फिर से गैप अप खुला, ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट 9:15 का हाई लो, जो पहली कैंडल है 1 मिनट में उसका हाई लो मार्क हुआ है, और क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जो कैंडल ने क्लोज किया, नीचे आया, फिर से ऊपर आया, मतलब क्या है, मार्केट बुलिश हुए, तो आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई होती और नीचे का एसएल लगाया होता तो कितने पॉइंट्स मिले, आप देखिए यहाँ से, ठीक है, नीचे कहीं का एक्सेल लगाया होता तो यहां से आपको 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला है, 300 पॉइंट आराम से इस ट्रेड में आपको मिले हैं, ठीक है। तो पहली कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद अगर आप एंट्री बनाते हो तो देखिए बड़े बड़े मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। ये हो गया तीनों के दिन प्रॉफिट में गए हैं, ठीक है, थीके? एक में छोटा प्रॉफिट हुआ है। अब चलते हैं आगे, अब यहां देखते हैं, ठीक है, अब यहां देखते हैं, जिस दिन दोस्तों मार्केट में 9:15 की कैंडल छोटी बने उस दिन आपको बहुत बढ़िया पॉइंट मिलेंगे, और जिस दिन बहुत बड़ी बन जाएगी उस दिन आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए, राइट। जिस दिन 9:15 की जो 1 मिनट की कैंडल है वो छोटी बने उस दिन आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 9:15 का हाई लो है, इसने ऊपर गया पर सेकंड कैंडल तुरंत नीचे आ गए, ठीक है, तो मतलब सेलर्स है,
तो यहाँ पे देखिए इसने क्लोज किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर से रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। अब देखते हैं यहां से अगर हम एंट्री बनाते और ऊपर का हाई का ये लगाते तो कितने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे। देखिए यहां से लेके यहां तक 350 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट का टारगेट ये स्ट्रैटेजी दे रही है, ठीक है, 9:15 वाली कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद। और ध्यान रखना है अगर हाई ब्रेक करती है तो आपको सेकेंड कैंडल का मतलब वेट करना है सस्टेन करने का। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लो ब्रेक किया, नीचे आई, ऊपर आई, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया। अगर रिटेस्ट हुआ है तो समझ लीजिए कि आप और कंफर्मेशन है, ठीक है, तो ये आप रिस्क लेना पड़ेगा। तो 4 में से 4 दिन प्रॉफिट में हुए। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें और एक चीज है कि अगर 9:15 का हाई लो है तो जब भी लो पे आए तो एक बाइंग की पोजिशन भी बना सकते हैं, ठीक है, थीके? अगर कैंडल लो पे आए और डबल बॉटम कुछ पैटर्न बना, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ पे एंट्री बना के पूरे दिन इसको राइड कर सकते हो, ठीक है। तो कितना पॉइंट्स मिले आपको, 241। और अब अगर होल्ड करते आप इसको ट्रेड को और होल्ड करते तो करीबन यहाँ पे 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाता, ठीक है। तो 9:15 वाली जो कैंडल होती है उसका हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए मार्केट पहले यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, बहुत अच्छे से काम करती है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये पांचों 5 दिन हुए, 5 के 5 प्रॉफिट में क्लोज हुए। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कैंडल ने ब्रेकआउट किया और अच्छी सी बुलिश कैंडल पे। अब थोड़ा नीचे आने का वेट करना है, यहाँ पे कोई हैमर टाइप कैंडल दिखेगी तो हम एंट्री बनाएंगे। देखिए हैमर बना, हैमर बना और हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो ट्रेड लेने के बाद देखिए आप कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप होल्ड करते इसको अच्छे खासे, ठीक है, यहां से लेके आ तक 250 पॉइंट, मतलब ये स्ट्रैटेजी 200 से ज्यादा ही पॉइंट दे रही है, ठीक है। 6 दिन हो गया, 6 और 6 दिन आप प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं हो ये स्ट्रैटेजी में। और ये रिसेंट का बैक टेस्ट है, दिसंबर, 8 दिसंबर का है, मैंने 5 दिसंबर से, 3 दिसंबर से बैक टेस्ट किया है। तो देखिए बहुत अच्छे काम करती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इंडिकेटर का नाम मैं बताऊंगा आपको जल्दी। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल जाएगा, कैसे जाएगा, कैंडल आई, रिटेस्ट किया, ऊपर गई, मतलब आपने यही पे एंट्री बनाई होगी तो आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे यहाँ पे, अगर आप देखें 60-70 पॉइंट मिले होंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब अगर आप, मैंने क्या बोला कि ये जो 915 वाली कैंडल है उसका लो सपोर्ट होता है, कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तुरंत ऊपर आ गई, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हैं बाइंग साइड का यहीं पर। तो आप देखते हैं ये कितना पॉइंट्स आपको दी है, यहां से लेके यहां तक ये 300 पॉइंट देती है। मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, 300 पॉइंट का टारगेट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साथ ही मतलब ये समझ लीजिए कि एक स्टॉप लॉस गया पर ये टारगेट भी मिल गया, 7 में से 6 दिन प्रॉफिट में गए, चलो कोई बात नहीं, 6 दिन लॉस पकड़ लेते हैं हम उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैंडल ने क्लोज किया, ऊपर गई, फिर से सेकेंड टाइम इसने नीचे क्लोज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है क्योंकि सेकेंड टाइम इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो अब यहाँ पे एंट्री बनती तो आप देखिए कितने पॉइंट्स दिए इसने, इसने 200 पॉइंट दिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आज रिसेंट टाइम तक का प्रैक्टिस करके मैं बता देता हूँ कि कितनी अच्छी काम करती है। यहाँ पे आई, कैंडल ने क्लोज किया, फिर से नीचे आई, ठीक है, और एक बार रिटेस्ट करके फिर से नीचे आए, तो यहाँ पे तो कंफर्म था कि हम एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से 130 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले, 130 पॉइंट। उसी तरह से यही जो लेवल है, ठीक है, यही जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर आपने देखे एक बार ब्रेकआउट दिया फेल हो गया, सेकंड टाइम फेल हुआ, थर्ड टाइम भी इसने 200 रेजिस्टेंस लिया और देखिए वहां से मार्केट नीचे 100 पॉइंट के करीब गिर गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। और चलते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करके आपको पूरा बता देंगे कि कैसे ये काम करती है, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल बन गई, अब इसको रिटेस्ट करना है, कहाँ पे बाय करना है, यही हाई पे आके बाय करना है, आया सपोर्ट लिया, आया फिर से सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तो बायस तो है यहाँ पे, तो आप बाय कर सकते हैं आराम से। ये जो ट्रेड है आपको कितना पॉइंट दिया, 300 पॉइंट, राइट। जितने भी दिन बाय टेस्ट किए हैं 200 से ज्यादा पॉइंट ये स्ट्रैटेजी आपको दे रही है, ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब 9 दिन में 8 दिन प्रॉफिट में है, 1 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। आगे बढ़ते हैं, कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ब्रेकडाउन दिया, नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो यही पे एंट्री बनाकर यहाँ का एसएल लगा देते हैं तो कितने पॉइंट्स मिले हैं, 200 पॉइंट मिले हैं, बहुत अच्छे से काम करती है सर, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो 1 दिन लॉस हो गया, 10 दिन हो गए, 10 दिन में से 9 दिन प्रॉफिट, 1 दिन छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा गया है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर से रेड बनी, हमने ट्रेड लिया और 50 पॉइंट मिले, बट हमारा एसएल अब चला गया, यहाँ पे एसएल गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइजेक्शन देखिए, आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया, मतलब बायर्स इसको सस्टेन कर रहे, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना के यहाँ तक का एंट्री ले सकते हैं, 200 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ भी आपको मिल गए, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते, यहाँ पे क्या हुआ,
कैंडल आई, ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर आ गई, कैंडल आई, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, ये लेवल भी निकाल दिया, ये लेवल भी, तो यही कैंडल पे आप एंट्री बना सकते हो और 120 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, और टेस्टिंग करते हैं, कोई बात नहीं, लॉस वाला भी करूंगा, प्रॉफिट वाला भी करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट वाला करूंगा, कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, मैंने एक भी दिन बीच में मतलब स्किप नहीं किया है कि जहां पे लॉस हुआ हो, जहां पे लॉस है वहां पे लॉस भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, फिर से यहां पे आया, कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना और 60 पॉइंट, उसके बाद एसएल हमारा हिट हो गया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, चलेगा, एक दो दिन एसएल हिट हो गया, 11 में से दो दिन एसएल हिट हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग करेंगे हम, फुल बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी होगा मैं बता देता हूं आपको। यहां पे क्या हुआ, कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तुरंत नीचे आ गया, हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा, नीचे आ गई, नीचे भी क्या हुआ, वही हुआ, तो ये साइडवेज मार्केट की साइन है, तो हम यहां पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, तो अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो, हाँ ये तो आ गया, आज का ही दिन आ गया, ठीक है, 21 दिसंबर का आया, नीचे आ गया, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट लेके अभी देखिए ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, अभी ये साइडवेज हो गया यहाँ पे, बट इसने इसका क्या किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके फिर से ऊपर निकला है, तो ये आज का लाइव मार्केट में चल रहा है। अब ये जो इंडिकेटर है, इसका नाम क्या है, कैसे लगाना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो इंडिकेटर है, राइट, उसको कैसे लगाना है, आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, टाइप करना है चार्ट, ठीक है, मोजो, ठीक है, चार्ट मोजो। तो ये वाला जो इंडिकेटर है, चार्ट मोजो ओपनिंग 1 मिनट रेंज बाय चार्ट मोजो, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके जो ट्रेडिंग व्यू का है उसमें ओपन हो जाएगा। अब ऐसा तो हम नहीं चाहते, इसमें हम कुछ सेटिंग चेंज करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्लॉट जो है उसको लाइन कर देंगे दोनों को, और ये दोनों हटा देंगे, बैकग्राउंड हटा देंगे, वैल्यूज हटा देंगे, ठीक है, ये सेटिंग आप देख लेना। अब यहाँ पे जो कलर है इसको थोड़ा डार्क करके, ये वाला जो कलर है ये वाला, राइट, और ये जो लाइन है उसको थोड़ा थिन कर देंगे, ठीक है, इसको डार्क कर देंगे और ये लाइन को थिन कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देगी। इसको कलर भी हम थोड़ा दूसरा कर देते, ठीक है, तो ये सेटिंग हो गई, राइट। तो इस तरह से आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, आप खुद बैक टेस्ट करिए, मैंने आपको 10-12 दिन का बैक टेस्ट करके बता दिया है, ठीक है, तो आप खुद इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है ये स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए यहां पर भी एक लास्ट वाला बैक टेस्ट करके बता देता हूं, मार्केट ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं कर पाया, नीचे भी क्लोजिंग की तुरंत ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग की सस्टेन किया, एक ऊपर की कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और यहाँ से 60-70 पॉइंट का टारगेट और नीचे का एसएल लगाते, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला है, यहाँ पे आप देखिए टारगेट कितना बड़ा मिला है। अगर पूरे दिन अगर आपने इसको होल्ड किया होता, ठीक है, पूरे दिन अगर आपने इसको होल्ड किया होता, ये जो है कितने पॉइंट्स आपको दिए इसने, करीबन 500 पॉइंट का टारगेट आपको ये वाले ट्रेड में मिला है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन प्लस ये जो रेंज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करिए, और मैं रोज लाइव करता हूँ, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा,